जैसा हम सब जानते हैं 4 अगस्त के दिन वर्ष 1906 में डॉक्टर वाई एस परमार जी का जन्म सिरमौर की रियासत में हुआ, जिसके ऊपर अभी एक डॉक्यूमेंट्री भी हम सब ने देखी और डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर वाई एस परमार जी के द्वारा जो प्रदेश में विभिन्न स्तरों के ऊपर जो योगदान रहा है, बचपन से लेकर शिक्षा तक, शिक्षा की संपूर्ण होने के बाद एक जुडिशियल ऑफिस के बारे में भी विस्तृत वॉल्यूम 1 डॉक्टर वाई एस परमार जी का जो कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के बनने बनाने में रहा, उस पुस्तक का भी विमोचन यहां पर हुआ। हम सब ज्यादातर जो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, वो आजादी के बाद की पैदाइश है। बहुत कम लोग हैं जो आजादी से पहले पैदा हुए हैं। और जहां तक डॉक्टर वाई एस परमार जी का संबंध है, उनका जो कामकाज है, वो जब तक सियासत में थे तब हम तो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, और के रूप में 15 अप्रैल 1948 को, और उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो आजादी के उन पहले चुनाव 1952 तक का हिमाचल प्रदेश। अगर इसके ऊपर बातचीत कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश के स्वरूप में डॉक्टर वाई एस परमार जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे हिमाचल प्रदेश को बनने बनाने की बात हो, हिमाचल प्रदेश के संसाधनों को विकसित करने की बात हो, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी दृष्टिपत्र की बात हो, या उन्होंने जो लेखनों के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से जो जिक्र किया है, वो जो किताब हमने वॉल्यूम 1 और जो एक संक्षिप्त किताब जो हमारी लाइब्रेरी में है, उसमें वो सारी जानकारी हासिल है। मैं कभी कभी हैरान होता हूं, वर्तमान का हिमाचल प्रदेश, वर्तमान की सियासत और वर्तमान के हम राजनेता, और एक उस समय जब हिमाचल के पास कुछ नहीं था, कोई आधारभूत ढांचा नहीं था, सड़कें नहीं थी, शिक्षा के क्षेत्र में हम कुछ रियासतों के अलावा, जहां पढ़ाई लिखाई उन रियासतों के माध्यम से हुई, अन्यथा हिमाचल प्रदेश एक गरीब, एक लाचार व्यक्ति की तरह का हिमाचल प्रदेश था। और मैं अधिक पीछे न जाते हुए जो हिमाचल प्रदेश हमने देखा, क्योंकि आजादी के 10 वर्षों के बाद की हमारी पैदाइश है, 50 के दशक का हिमाचल प्रदेश, 60 के दशक का हिमाचल प्रदेश, 70 के दशक का हिमाचल प्रदेश, और 80 के दशक तक का जो हिमाचल प्रदेश था, और जिस जो हम सब में से बहुत सारों ने देखा, और वर्तमान जो हिमाचल प्रदेश है, उसमें दिन रात का अंतर है। उस समय की जो चुनौतियां थी वो उन्होंने लड़ी। वर्तमान हिमाचल प्रदेश के शिल्पकार के नाम से उनको जाना जाता है, और उन चुनौतियों से जूझते हुए, लड़ते हुए एक सशक्त हिमाचल प्रदेश और विकसित हिमाचल प्रदेश की नींव माननीय डॉक्टर वाई एस परमार जी के द्वारा रखी गई। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी 7वें
मुख्यमंत्री हैं, लगभग 18 वर्ष 8 महीने और 2-3 दिन डॉक्टर वाईएस परमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय शांता कुमार जी लगभग 5 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में श्री वीरभद्र सिंह जी लगभग 22 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर उसके बाद प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी लगभग 10 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ठाकुर रामलाल जी लगभग अल्पकाल के लिए 3 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे। और फिर उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय जयराम जी, जो आज प्रतिपक्ष के नेता हैं, लगभग पांच वर्ष के का कार्यकाल उनका रहा। और मैं ये समझता हूं और मैं ये कहना भी चाहूंगा इस फोरम के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला। हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिन्होंने बहुमत देकर कांग्रेस पार्टी को और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, जिन्होंने आपको मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका दिया। उस समय की चुनौतियों से हमारे वो राजनेता लड़े, हमारे वो मुख्यमंत्री लड़े, उस समय के राजनेता मिलजुल कर लड़े। मैं मानता हूं जो संघर्ष प्रजामंडल के रूप में, धामी के आंदोलन के रूप में, जिसका नेतृत्व डॉक्टर वाई एस परमार जी ने किया, उस संघर्ष में बहुत सारे लोग शामिल थे, लेकिन उस संघर्ष का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर वाई एस परमार थे। और प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में वो उन्होंने हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया। 52 से लेके जो है 56 तक पार्ट सी 1951 जो एक्ट था पार्लियामेंट का, उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश जो है पूर्ण राज्य था। और पूर्ण राज्य के बाद फिर से आप केंद्र शासित प्रदेश बने। आप अंदाजा लगाइए, आप जो है हमारी 14वीं विधानसभा है, और मैंने अपने सचिवालय से यह कहा पहले ही आते कि हम 15वीं क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा पहला चुनाव तो 52 से 56 हुआ, और 52 से 56 में पार्ट सी स्टेट के रूप में हमारा जन्म हुआ। 47 में देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, और आजादी के उन 2 साल 18 महीने 11 दिन इस संविधान को बनाने में लगे, वो कार्यकाल 47 के बाद का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी और जिसके डॉक्टर परमार भी सदस्य रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कमेटियां थी, और संविधान सभा के अंदर इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वर्तमान संविधान के बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और अगर आप उस इतिहास के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ, और उसके बाद फिर से वो राजनीतिक हालात पैदा हुए जिससे दोबारा से हम केंद्र शासित प्रदेश बने, फिर से जद्दोजहद शुरू हुई। मेरा कहने का तात्पर्य मात्र इतना सा है कि उन समय में उन राजनेताओं के द्वारा कितना संघर्ष किया होगा। कभी कभी हम सभी, क्योंकि हम सब तो चुने हुए व्यक्ति हैं, और कभी कभी जो है हम सब डिमोरलाइज हो जाते हैं जब हम समाज का दबाव देखते हैं। उन परिस्थितियों में हम ये महसूस करते हैं कि लोगों की इच्छाओं के मुताबिक हिमाचल प्रदेश को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक, और कभी कभी ऐसा लगता है यार यह संभव सा काम है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय, आपने जो है बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं अभी, और आप हिमाचल प्रदेश को जो है आत्मनिर्भर प्रदेश बनाना चाहते हैं,
विधानसभा के माध्यम से भी विभिन्न चर्चाएं होती हैं, एक दोषारोपण होता है, एक सरकार दूसरे सरकार के ऊपर जो है दोषारोपण करती है। मैं ये समझता हूं आज के इस मौके पर जब हम डॉक्टर वाई एस परमार जी को उनके जन्म के उपलक्ष पर, और अगर वो आज जिंदा होते तो 118 वर्ष के करीब होते, हमें संकल्प लेने की जरूरत है सभी राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को, कि जो हिमाचल प्रदेश जिसकी शुरुआत उन्होंने की और जिस हिमाचल प्रदेश के जिन संसाधनों की बात उन्होंने की, आज वो संसाधन हमारे पास हैं। हम हॉर्टिकल्चर, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर से आगे जाके फ्लोरिकल्चर में भी गए हैं, लेकिन उन संसाधनों के फलस्वरूप बावजूद, हाइडल जनरेशन के बावजूद, हमारे संसाधन वहां नहीं पहुंचे हैं जहां हिमाचल प्रदेश को पहुंच जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा विषय है हिमाचल प्रदेश के, जो हमारे चुने हुए सरकार हो, प्रतिनिधि हो, और हमको जो है इसके ऊपर अब चिंता करने की जरूरत है। सभी राजनीतिक दलों को, राजनीतिक मतभेदों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के हित में क्या है उसके ऊपर निर्णय लेने की आवश्यकता है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने विजन के माध्यम से, सोच के माध्यम से, जो जिस कठिन दौर में हम गुजर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प आपने लिया है वो पूरा होगा, ऐसा मैं महसूस करता हूं। मैं ये समझता हूं आज के इस मौके पर ये आवश्यक था कि हम सब राजनेताओं को अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं को एक तरफ रखते हुए डॉक्टर वाई एस परमार जैसे विजनरी लीडर के उस विजन को ध्यान में रखते हुए, या उससे बाद के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे उनके विजन को ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप सब आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने समय दिया, आपका बहुत